तो यार ये बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए रोज़ डेली ब्लॉग डालना, क्योंकि सुबह सुबह लोग हाथ मुंह धो रहे, फ्रेश हो रहे, और मैं फ़ोन लेके हेलो गाइज, तो यार ऑकवर्ड हो रहा है मेरे लिए, बहुत बड़ी मुश्किल सी हो रही। लेकिन मैं कंटिन्यू करूँगा अपने ब्लॉग। स्वागत है आपका मेरे पहले ब्लॉग में। फ़िलहाल सुबह होते ही मैं नहा धो लिया, क्योंकि आज 2 अक्टूबर है, 2 अक्टूबर के दिन सरकारी छुट्टी होती है। तो फिलहाल छुट्टी है, छुट्टी का दिन मेरा कैसा बीतता है मैं दिखाऊँगा। फ़िलहाल सुबह सुबह देख लो, हमारे कमांडर हैं गाड़ी धोने लग गए, छुट्टी के दिन का फ़ायदा उठा रहे। तो चलो ले चलता हूँ अपने नाश्ते की तरफ आपको सीधे यार, कुछ देर बाद। ओके, तो फिलहाल दोस्तों इस प्यारी सी सुबह के साथ एक प्यारा सा नज़ारा आपको दिखाता हूँ। देखो कभी कभी सुबह सुबह क्या होता है ना, वैसे सुबह मैक्सिमम हमारी पीटी होती है, मतलब दौड़ वगैरह, हल्का फुल्का रनिंग वगैरह जो चीज़ें होती है। लेकिन जब जैसे छुट्टी हुई, संडे हुआ, तो उस टाइम पे देखो हमें कभी कभी जब टाइम मिलता है तो इस टाइप से घूमने का, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक टाइप की हो जाती है। और यहाँ इतनी ठंडी ठंडी हवा आ रही है, फ़िलहाल बड़ा मज़ा आ रहा है। ये है व्यास, व्यास नदी है, ये व्यास नदी का पानी है, हिमाचल व्यास नदी का पानी। तो मतलब ये जो जगह है योगा करने के लिए, मुझे बहुत मज़ा आता है यहाँ योगा करने में, योगा वगैरह करने के लिए बड़ा सुकून मिलता है यहाँ। बड़ी ठंडी ठंडी हवा आती है और चारों तरफ का मौसम भी बहुत सुहावना है, बढ़िया। तो सुबह का नज़ारा ही कुछ और है अगर कुछ मॉर्निंग वॉक पे योगा वगैरह हो जाए तो। तो यहाँ भाई हमारा योगा सेशन होता है शुरू, और जैसे ही कभी हमें मौका मिलता है तो हम योगा वगैरह कर लेते हैं सुबह सुबह, और जैसे हमारा योगा शुरू हुआ वैसे ख़त्म भी हो जाता है। सीधे आप ले चलता हूँ आपको ब्रेकफास्ट में। सो हेयर इट इज़ माई ब्रेकफास्ट। ये इतना फास्ट है कि बहुत फास्ट हो जाएगा। सब्जी ये पता नहीं किसकी है, मुझे नहीं पता, दही है और 2 रोटी। ठीक है, नाश्ते के बाद मिलते हैं आपको सीधे गाड़ी जयंती में। तो फिलहाल गाइस ये मेरा फर्स्ट टास्क है आज का। आज का मेरा टास्क है कि मैंने इस गाड़ी को धोना है, मेरी जॉब का ही पहला टास्क है। देखिए मेरा फर्स्ट टास्क है कि मैंने इसको नीट एंड क्लीन करना है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसको साफ करने के बाद कैसी रहेगी, ये देखो अभी कैसी है और आफ्टर वॉश ये कैसी रहेगी, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो मेरा दिन कुछ इस तरह निकलेगा कि आज का दिन मेरा पूरा सफाई में निकलेगा, क्योंकि आज गांधी जी का बर्थडे है और हम गांधी जी के बर्थडे को स्वच्छता अभियान के रूप में, मेरा पूरा दिन आज ऐसे निकलेगा साफ सफाई में। मैं बस साफ करने वाला हूँ, मैं इसका मालिक नहीं हूँ, ये मैं समझना। तो भाई दिन का पहला टास्क शुरू होता है और इतनी स्पीड में करते करते पता भी नहीं चलता कब ख़त्म भी हो जाता है। कोई नहीं, आज किसी और की गाड़ी धो रहे हैं, कल अपनी गाड़ी धोएंगे। एक सपना होता है भाई हर किसी का। तो भाई यार ये डेली ब्लॉग बनाना बड़ा मुश्किल है यार, क्योंकि क्या कहते हैं, मैंने दिन में कई चीज़ें की। मैं बाहर घूमने गया, घूमने मतलब कहीं दुकान पे गया, कुछ खाया, मैं खाना खाया दिन पे, मैंने रेस्ट किया दिन पे, क्योंकि आज छुट्टी है, दिन भर थोड़ा कई चीज़ें की। मैं ब्लॉग बनाना ही भूल जा रहा हूँ, वीडियो बनाना ही भूल जा रहा हूँ। तो अभी शाम के बजे 4, मैं जा रहा हूँ जिम को, क्योंकि मेरी हालत देखो, मैं बिल्कुल पतला हूँ। पतला क्या यार, बहुत कमज़ोर हूँ यार। थोड़ा बॉडी बनाने की सोच रहा हूँ। तो अभी 4 बजे हैं, मैं आज जल्दी चले गया क्योंकि आज छुट्टी थी। तो देखो व्यू। तो फिलहाल भाई जितना छोटा मैं इस सीजन में दिख रहा हूँ उतना ही छोटा मेरा भविष्य है यूट्यूब में। फिलहाल चल रहा है वर्कआउट, ये देखो भानु सबसे तगड़ा आदमी, यहाँ देखो मेहनत, स्पॉन्सर की मेहनत, और यहाँ देखो द ग्रेट खली मुच्चड़ भाई हमारे। तो भाई फिलहाल शाम का टाइम है, क्रिकेट गेम भी चल रहा है, और देखो आज प्लेयर बहुत कम है, सारे रेस्ट में है। ये है आंवले का बगीचा, देखो आराम से बंदा नज़ारे ले रहा है इस आंवले के बगीचे के। तो फिलहाल गाइज आज के पहले ब्लॉग को मैं यही समाप्त करता हूँ, क्योंकि 6 बजे से मैंने जाना है ड्यूटी और ऑलमोस्ट 5:30 हो गया है। तो वो मिलता हूँ आपको कल के ब्लॉग में। थैंक यू गाइज़।